हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस लाल बटन को दबाएं और उसके आगे बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन वीडियोस के आ सके। दूसरा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो के नीचे बने इस लाल बटन को दबाकर और उसके आगे बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज 6 अगस्त और हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। तो देखिएगा, यस बैंक में आज की तारीख में तकरीबन 5% से ज्यादा की बढ़त हासिल होते हुए हमको नजर आई है। अब देखिएगा, इसके पीछे बहुत सारे लोग एक न्यूज को इसकी वजह बता रहे हैं, जो देखिएगा न्यूज जो है वो फंड रेजिंग से जुड़ी हुई है। तो चलिए न्यूज को पहले देख लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो कि यस बैंक जो है अभी लॉन्च करने वाला है QIP, यानी कि देखिएगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, इस वीक के अंतर्गत यानी कि अंत तक इस तरीके की अटकलें हैं कि यस बैंक फंड जुटाने के लिए इक्विटी के जरिए यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट करके, यानी कि जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जरिए देखेगा पैसा जुटाने की कोशिश करेगा। उसकी वजह से जो है वो शेयर आज 5% के लगभग भागा है। लेकिन देखिएगा, अभी चूंकि मुझे ऐसा लगता है आज की तेजी में जो हाथ है वो देखिएगा कल की गिरावट का है। कल की गिरावट में जिस तरीके से यस बैंक खड़ा रहा उसके बाद पूरे मार्केट में पुल बैक आया है, जिसकी तेजी हमको यस बैंक में देखने के लिए मिली है। अगर आप देखेंगे तो यस बैंक में ऐसी कोई खास तेजी आज की तारीख में देखने के लिए नहीं मिली है। लेकिन चूंकि ये जो न्यूज है ये अपने आप में किस तरीके का बूम ला सकती है यस बैंक में, ये आप भी समझते हैं और मैं भी जानता हूं। तो देखिएगा, और पूरा मार्केट इस चीज पे नजर गड़ाए हुए है, क्योंकि देखिएगा ये एक ऐसी न्यूज है जो यस बैंक को भगाने में किसी भी तरीके की कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन अभी मार्केट में किसी ने भी अपने हाथ नहीं खोले हैं, ये भी एक नजर रखने वाली बात है। आप देख सकते हैं कि देखिएगा ये जो QIP किया जाएगा इसमें प्राइवेट सेक्टर के जरिए फंड जुटाने की जरूरत है, यानी कि देखिएगा प्राइवेट इक्विटी के तहत ही होगा और मे पॉसिबली इस वीक के अंत तक शायद ऐसा हो जाए। उसके लिए देखिएगा मैनेजमेंट जो है बहुत सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से कुछ एक दिनों में जरूर मिला था और सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है देखिए HDFC AMC, ये भी देखिएगा पार्टिसिपेट कर सकता है QIP में भी। इस चीज को भी आपको समझना है, ये न्यूज के अटकले हैं। वही देखिएगा मोतीलाल ओसवाल और JM फाइनेंशियल जो है अपॉइंट किए गए हैं एज अ बैंकर टू QIP इश्यूज के। तो देखिएगा जब इश्यूज होंगे तो ये एज ए बैंकर वर्क करेंगे, JM फाइनेंशियल और मोतीलाल ओसवाल। तो अब चीजें हमको जो देखनी और जो समझनी, सिर्फ हमको न्यूज के जरिए में बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हो जाना कि देखिएगा फंड रेजिंग की न्यूज आ चुकी है। पहली चीज जो हमको इससे कंक्लूड करनी है वो ये कि देखिएगा रवनीत गिल जो है वो अपने जुबान के पक्के आदमी है। उन्होंने कहा था लास्ट यानी कि एंड ऑफ सितंबर तक हम फंड रेज कर चुके होंगे। तो आप देख सकते हैं अभी अगस्त चल रहा है और तारीख है 6, तो उससे ही आपको पता चल जाना चाहिए कि मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा था, जो मैं बहुत दिनों से आपको बता रहा हूँ। फिलहाल आज की तारीख में किसी भी तेजी में यस बैंक में हाथ नहीं है, इस न्यूज का ये आपको समझना चाहिए। भले से कुछ भी लिखा हुआ है उस चीज को आप समझ के चलिएगा। जो मुझे पॉजिटिव चीज दिखाई देती है वो है मैनेजमेंट का रवैया, एक पॉजिटिव रवैया इस चीज को लेकर कि भाई हमने उन्होंने एक डेडलाइन दी थी एंड ऑफ सितंबर और उन्होंने एक चीज करके दिखा दी है और देखिएगा इस वीक के अंत तक ये QIP हो जाएगी, एक फंड रेज हो चुका होगा। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वो किस तरीके से आगे कदम रखते हैं उन चीजों को हम एनालाइज करेंगे। हालांकि आपको बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं आज की तारीख का जो हाई है वो 86 के लगभग है, जो बिल्कुल एक रेजिस्टेंस की तरह है और हमारी क्लोजिंग एक रेजिस्टेंस पे हुई है। इस चीज को आपको समझना है। तो अब चूंकि आप देख सकते हैं बाइंग क्वांटिटीज पे भी हम बातें करेंगे और आगे देखिएगा जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है, तो देखिएगा अगर हम प्रीवियस क्लोजिंग को देखते हैं 81.10 के लगभग जो हमारी कल की क्लोजिंग थी, उसके बाद देखिएगा ओपनिंग होती है 80.90 के लगभग, यानी कि गैप डाउन हमारी ओपनिंग थी। तो आप देख सकते हैं किसी भी तरीके से हाथ नहीं है आज की इस न्यूज में किसी भी तरीके का पार्टिसिपेट करने का। आप देख सकते हैं 20 पैसे की गिरावट के साथ देखिएगा आज हम ओपन होते हैं, हाई लगाते हैं 86.65। पूरे मार्केट में देखिएगा आज एक उछाल था, उस उछाल की वजह से हमको तेजी देखने के मिली है। 5.75 रुपए का हाई था अपनी ओपनिंग से, लो बनाया हमने 79.70 का। तो देखिएगा आज की तारीख में भी जो लो हमने बनाया है वो देखिएगा तकरीबन 1.20 रुपए के लगभग था अपनी ओपनिंग से। वही देखिएगा क्लोजिंग जो थी 85.35 के लगभग, जो देखिएगा 4.45 रुपए के लगभग देखिएगा अपनी ओपनिंग से ऊपर है, 95,000 के लगभग बाइंग लगी हुई है, बाइंग क्वांटिटीज है, क्वांटिटी जो ट्रेड हुई आज की तारीख में 13,48,00,000 के लगभग, 1,35,00,000 डिलीवरी है, 10.09% के लगभग डिलीवरी परसेंटेज है। तो देखिएगा ये चीज हमारे सामने निकल कर आ रही है। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं वो देखिएगा हमारा बेसिस जो कि पॉजिटिव दिखाई देता है, मे पॉसिबली शायद कल
गैप अप ओपनिंग हो जाए, फ्यूचर्स का प्राइस भी भागा और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भागा, यानी कि देखेगा इसमें फ्रेश लॉन्ग क्रिएट हुए, लोग तेजी करना बेशक चाहते हैं। ऑप्शन चैट में नजर डालते हैं तो देखिएगा ऑप्शन चैट में आप देख सकते हैं 85 और 90 के लेवल पर एट द मनी चीजों को देखने से ही मालूम चल जाता है कि आज की तारीख में इस न्यूज का कोई इम्पैक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं 99,000 के लगभग इसमें पुट राइटर्स की अनवाइंडिंग दिखाई देगी, जहां तकरीबन 21 लाख से ज्यादा का ओआई लगा हुआ है। 85 के लेवल पर अगर हम चीजों को देखते हैं तो देखिएगा यहाँ पे 2,68,000 की देखिएगा कॉल राइटिंग है, यहाँ पे 24 लाख से ज्यादा का ओआई लगा हुआ है। मुद्दा ये है 85 एक रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन जिसमें प्रीमियम मुझे जो दिखाई दे रहा है प्रीमियम बड़ा है, यानी कि देखिएगा कॉल बायर्स भी एक्टिव है, चीज को आपको समझना है। उन्होंने पूरी तरीके से कॉल राइटर को नहीं हावी होने दिया है, इस चीज को भी आपको समझ के चलना है, यानी कि देखेगा किस तरीके से जो रिटेल निवेशक होता है, यानी कि कॉल बायर जो है बेसिकली रिटेल निवेशक है, तो आज उसे तेजी करने की कोशिश की है। आप देख सकते हैं 65 के लेवल से ही आपको ये चीज देखने के लिए मिल जाएगी। 70 के लेवल पर तो देखेगा कॉल की देखेगा शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए भी है 17,000 के लगभग, यानी कि देखेगा कुछ तो एक पॉजिटिव इंपैक्ट ऑप्शन चैन पर पढ़ने के लिए जरूर हमको मिला, लेकिन उतना ज्यादा नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं 90 के लेवल पर देखेंगे तो 1,27,000 की पुट राइटर्स की अनवाइंडिंग, उससे नीचे भी बात करते हैं 95 पे तो 41,000 की पुट की अनवाइंडिंग देखने के लिए मिलेगी, जहां पे आप चीजों को बिल्कुल कंक्लूड करके देख सकते हैं कि किस तरीके से चीजें जो है वो न्यूज अभी इम्पैक्ट नहीं डाल पाई है। आज की तेजी में सिर्फ हाथ है कल की गिरावट का, गिरावट आने के बाद आज एक बूम दिखाई दिया है और वो बूम कोई बहुत ज्यादा नहीं है, हल्का फुल्का सा एक रेजिस्टेंस के पास जाके हमने क्लोजिंग दिखाई है। 90 के लेवल पर भी देखेंगे तो 6,97,000 की कॉल राइटिंग होती हुई नजर आई, यानी कि रेजिस्टेंस डेवलप हुआ है, लेकिन कॉल बायर्स देखेगा पूरी तरीके से तेजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से मुलाजिला हमको चीजें दिखाई दे रही हैं। हम बहुत ज्यादा इनसे ये नहीं कह सकते कि इस न्यूज का आज की तारीख में कोई इम्पैक्ट है, यानी कि देखेगा मार्केट में लोगों ने अभी हाथ बांध रखे हैं, लोग अभी इसमें वेट एंड वॉच की पॉलिसी जरूर आजमाएंगे, इस चीज को आपको देखना है। और अभी देखिएगा दूसरी चीज अगर हम देखते हैं टेक्निकल चार्ट पर, तो देखिएगा जो हमारा आरएसआई है उसको एक बार हम देख लेते हैं, उसे हम इस चीज को देख पाएंगे कि देखिएगा किस तरीके की स्ट्रेंथ है। तो देखिएगा डेफिनेटली आज की तारीख में एक चीज तो देखने के लिए मिली है, आप इस कर्व को देख सकते हैं जिस तरीके से ये कर्व घुमा है ऊपर, और देखिएगा 41.13 के लगभग जो कि हमको आरएसआई की स्ट्रेंथ देखने के लिए मिलेगी, यानी कि बायर्स की स्ट्रेंथ जो है वो कहीं ना कहीं 50 की रेंज को क्रॉस करती हुई नजर आएगी आपको, अगर ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट इसमें डेवलप होते रहे। वही देखेगा कुछ एक अटकलें और जरूर है इसमें, जैसे कि देखेगा कि किस वैल्यू पर देखेगा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, यानी कि QIP किस एक वैल्यू पर होगी। देखेगा अगर वो मार्केट वैल्यू से होती है तो देखेगा डेफिनेटली ये गिरेगा, इस तरीके के अटकलें मार्केट में है, लेकिन देखिएगा मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से देखिएगा मैनेजमेंट एग्री करेगा नीचे जाके, जाहिर सी बात है किसी ऊपर की वैल्यू पे ही देखिएगा QIP होगी। आप देख सकते हैं जब ये पूरी चीज होगी, फंड रेजिंग जब हो जाएगी, आप इस चीज को अजमाएंगे और चीज को देखिएगा, जरूर किसी ना किसी ऊपर की वैल्यू पर ही देखेगा लोग उसमें पैसा डालेंगे, क्योंकि अगर वो लोग भी नीचे डालते हैं पैसा, देखिए बहुत बेसिक सी टर्म में अगर वो लोग भी नीचे खरीदते हैं 50 की वैल्यू पर, अगर वो उठाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है ये टूटेगा और टूट के वहीं पहुंच जाएगा। तो आप देख लीजिएगा मे पॉसिबली एक हायर वैल्यू पर ही कहीं ना कहीं सेट होगा, हो सकता है 100 पे हो सकता है 90 पे हो, लेकिन आप इस चीज को देखना कि एक अच्छी वैल्यू पर ही मैनेजमेंट एग्री करेगा, अदरवाइज इसका कोई फायदा नहीं है। तो चलिए फिर से मैं वीडियो को खत्म करता हूँ, आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स का ग्रुप में शेयर करना भूलिएगा। चलिए थैंक यू।